जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सिख समाज छत्तीसगढ़ की ओर से एक सिख सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ स्तरीय यहां पर किया गया है मेडिकल कॉलेज सभागार रायपुर में। और हमारे साथ में भिलाई दुर्ग सिख समाज के बड़े वरिष्ठ जन चहल जी हमारे साथ में हैं। चहल जी क्या कुछ कर रहे हैं, बहुत सारे विषयों पर चर्चा होने वाली है। वाहेगुरु का खालसा वाहेगुरु की फतेह। आज जो सिख सम्मेलन बुलाया गया पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से, मतलब छत्तीसगढ़ पूरे समाज को बुलाया गया, जिसमें अलग अलग सभी चर्चा सावड़ा जी का और सुरेंद्र सिंह सावड़ा जी का, जो सभी को एक लाइन में पुरो के चल रहे, इकट्ठा लेके चल रहे जी। परिणाम तो जो जब समाज इकट्ठा होता है तो कुछ ना कुछ परिणाम तो निकलना चाहिए, जरूरी है जी, जी, और निकलेगा जब सभी लोग इकट्ठे होकर बैठ के सलाह करेंगे। क्या कुछ कहेंगे आप सर, क्या नाम है सर आपका? पलविंदर सिंह रंधावा जी, वाइस प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ सिख पंचायत। हम पूरा समाज पूरा भिलाई दुर्ग से इकट्ठे होकर आए हैं। समाज में जो भी समस्या है उसको समाधान करना है, जैसे किसी गरीब बच्चों की जो फीसें नहीं पड़ती उसके ऊपर विचार करना है। समाज में और बहुत प्रकार की जो भी समस्याएं हैं उसको एकजुटता के इकट्ठे होकर सब हम लोगों ने इसको समस्या समाधान करना है। अभी आए सब लोग आके बैठे, जैसे चर्चा होगी उस पर हम लोग जो भी विचार होगा उसमें निकाला जाएगा। बहुत सारे युद्ध भी हैं, क्या कुछ कहोगे सम्मेलन को लेकर आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रिंसिपाल सिंह जी जी, मैं दुर्ग से हूँ। सम्मेलन के बारे में कहेंगे कि जैसे कि ये सम्मेलन इसलिए जरूरी है कि कई ऐसे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं जिसके बारे में बात की नहीं जा सकती, या हम घर में बैठ के सोचते हैं, चार लोग बैठ के सोचते हैं, लेकिन हमको एक बार कभी ऐसा समूह बुलाना पड़ता है इसके बारे में खुल के हम अपने सीनियर से अपने बड़े जनों से कह सके। ये उसी के लिए है कि हम अपने छोटे छोटे इश्यूज प्रॉब्लम्स और कुछ अच्छी उपलब्धियां भी हैं जो हम अच्छे और अच्छा कर सकते हैं, पर एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। बहुत अच्छी बात है। तो सभी का जी देख रहे ये सब स्वागत कर रही हैं इनका। महिला संगत जो है, महिला संगत यहाँ पर स्वागत कर रही है। पूरा हॉल अंदर अगर देखेंगे जाके तो पूरा खचाखच भरा हुआ है और जितने भी अतिथि का सबका स्वागत है। और ये राजनांदगांव बहुत सारे से ये पूरा जत्था जो है सर, ये बहुत खुशी की बात है कि स्टेट लेवल पे जो ये सिख समाज इकट्ठा हुआ है इसमें अपने सब अपने अपने जो हमारे विद्वान लोग हैं, वरिष्ठ जन हैं और सीनियर जो लोग हैं, अपने अपने अच्छे विचार देके जो भी हमारे समाज में अच्छे कार्य हमने आगे करने हैं, अपने समाज को बढ़ाना है और जो भी अपना जो कुछ ऐसे इशू हैं जो सामने आ रहे हैं उसके लेके हम अपना विचार करेंगे और अपने समाज को, अपने धर्म को, है ना, गुरु साहब की कृपा करके जो जो आगे प्रफुल्लित हो रहा है पूरे विश्व में, जो अपना सिख समाज ने जो सेवाएं दी हैं अपनी, जो सिख समाज छत्तीसगढ़ के जो संयोजक हैं सरदार महेंद्र सिंह छाबड़ा जी और सुरेंद्र सिंह छाबड़ा जी, तेजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ में, बहुत सारे बहुत दिल्ली से भी हमारे पास में गेस्ट आए हुए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चादिया संगत जी आया जी, जी आया नू। बहुत अच्छी बात है, जितने भी गेस्ट आए हुए हैं तो सबका यहाँ पर स्वागत हो रहा है, अभिनंदन है। और लगातार हमें देखेंगे कि सारे लोग जो हैं महिला संगत सबका स्वागत कर रहे हैं। एक बड़ा आयोजन हो रहा है यहाँ पर सिख सम्मेलन छत्तीसगढ़ की तरफ से, छत्तीसगढ़ सिख समाज छत्तीसगढ़ की ओर से एक बड़ा आयोजन यहां पर किया जा रहा है कि और जितने भी गेस्ट आ रहे हैं उन सभी गेस्टों का यहां पर स्वागत है, अतिथियों का सार्थक। मुझे लगता है कि तीन चार विषय हैं, एक तो समाज की एकजुटता और युवा समाज का
क्या भूमिका हो सकती है, उनको किस तरीके से मदद कर सकते हैं राजनीतिक चेतना समाज में बढ़े और प्रतिभावान जो टैलेंट लोग हैं उनका सम्मान का। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ हूँ।